यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल सरकार भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हिस्सेदारी को लेकर अब सख्त हो गई है और इसी मामले को लेकर राज्य सरकार एक बार फिर से पंजाब सरकार के सामने उठाने की तैयारी में है। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने शिमला में कहा कि वो इस मामले को लेकर पंजाब सरकार को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल के पंजाब के साथ अच्छे संबंध है और वो इस मामले को सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। जनवरी महीने में BBMB पर दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुई थी। हिमाचल में 7.19% की हिस्सेदारी मांगी जा रही है और हिमाचल कई सालों से इस मामले पर अपना हक जताता आया है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर प्रदेश के 7.19% हिस्से के दावेदारी को सही ठहराया था। उन्होंने इस दौरान कहा था कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत यहां पर पड़ने वाले BBMB के प्रोजेक्ट में प्रदेश का 7.19% हिस्सा बनता है। पहले इनको सिर्फ 2.50 ही मिलता था। खास बात यह है कि कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब हरियाणा राजस्थान पर 4249 करोड़ एरियर देने का भी दावा ठोका गया था।